दोस्तों आज अपन करेंगे इस टूनर को बाइक के अंदर इंस्टॉल। दोस्तों इस टूनर को लगाने के लिए बाइक में दो हॉर्न होने बहुत जरूरी है, तभी जो ये अपना ट्यूनर होता काम करता है। दोस्तों ये जो ट्यूनर है 8 तरीके की आवाजें निकालता है, ये खटका देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 4 चार ये कुछ इस तरह से आवाजें निकालेगा, और जैसे ही हम इस बटन को दबा देंगे और फिर वापसी इसको करेंगे तो इसके चार आवाजें और हो जाएंगी। दोस्तों यानी कि ये जो अपना ट्यूनर है 8 तरीके की आवाजें निकालता है, और इसको हम अपनी बाइक के अंदर लगाएंगे। बाइक में लगाने से पहले दोस्तों आपकी बाइक में दो हॉर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो हॉर्न हैं, आप देख पा रहे होंगे दोनों के दोनों दोस्तों मिंडा के हॉर्न हैं, और ये हमारे पास ट्यूनर है। ट्यूनर के आपको एक एक कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि इस कनेक्शन को बाइक में किस तरह से किया जाता है। जो अपने हॉर्न होंगे दोस्तों वो 8 तरीके की आवाज़ें निकालने लगेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, और आप लोगों को इसके सारे कनेक्शन के बारे में आपको बतलाएंगे कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास ये दो हॉर्न हैं और ये बिल्कुल सादे बज रहे हैं। जैसे इग्निशन ऑन करा और हॉर्न बजाया, ये कुछ इस तरह से बज रहा है। और इसको लगाने के बाद दोस्तों अपनी बाइक में 8 तरीके की आवाज़ें निकालने लगेंगे। तो जल्दी से इस रिले को लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर और आपको एक एक कनेक्शन के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमें 1 mm की कुछ इस तरह की वायर लेनी है, ये 2 मीटर दोस्तों आपको वायर लेनी है। और ये दोस्तों हमारा हॉर्न वाला वायर है जो कि अपने हॉर्न में कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये दोस्तों बड़ा करना है और हमें इस साइड पैनल तक लाना है, क्योंकि दोस्तों जो अपना ट्यूनर है 8 आवाज़ वाला हमें इस साइड पैनल के अंदर लगाना है। तो पहले अपना साइड पैनल हम खोल लेते हैं, चाबी की यहाँ से लॉक रहता है इसका, ये ओपन करके, और जो अपना साइड पैनल है कुछ इस तरह से निकल जाएगा। और दोस्तों ये जो अपना ट्यूनर है बिल्कुल आराम से यहाँ पर रखा जाएगा। तो जो अपनी वायर है दोस्तों इनको बड़ा कर लेते हैं और अपना यहाँ तक ले आते हैं। तो दोस्तों जो मेन वायर होती है हॉर्न की हमने बड़ी करके यहाँ तक ले आए हैं, पर दोस्तों इसमें दोनों ब्लैक है, इसमें पता कैसे चलेगा कि माइनस कौन सी है और प्लस कौन सी है। तो ये दोस्तों हमें कुछ इस तरह से चेक करना होगा। बाइक का इग्निशन ऑन कर लेते हैं। बाइक का इग्निशन ऑन करके दोस्तों इस वायर में एक में दोस्तों फेस चलता है बराबर, और जो ग्राउंड रहता है अर्थिंग वो इस हॉर्न का जो ये बटन होता है इस बटन से चलता है अर्थिंग। तो देख लेते हैं पहले कौन से में फेस आ रहा है, इसमें नहीं है, इस वाले में फेस आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा प्लस होया पॉजिटिव, तो इस वायर को इधर निकाल लेते हैं। और जो अपना ट्यूनर था ये जो आप लाल वाली वायर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर हमें इस तरह से लगा देना है। कुछ इस तरह से लगाने के बाद इस पर टैप कर लेना है, इस पर अच्छे से हम टैप कर लेते हैं। ये दोस्तों टैप हो गया। उसके बाद में जो दूसरी वाली वायर है ग्राउंड की दोस्तों ये वायर है, तो ये जो अपना ब्लैक वाली वायर है इसके अंदर कुछ हमें इस तरह से जोड़ने के बाद इस पर भी दोस्तों अपन कर देंगे टैप। कुछ इस तरह से हमें टैप कर देना है। दोनों वायर दोस्तों आपको अलग अलग टैप करनी है, एक जगह टैप नहीं करनी है। कुछ इस तरह से दोस्तों टैप हो गया है, और जैसे ही हम अपना दोस्तों हॉर्न का बटन दबाएंगे इसके अंदर दोस्तों एक लाइट आएगी, मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरह से लाइट आ रही है और ये किट किट की आवाज़ भी कर रही है। जैसे ही हम अपना ये वाला कट चेंज करेंगे इसका, और ये लाइटें भी चेंज हो जाएंगी कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसमें दो वायर बचती हैं, दोनों येलो, दोनों पीली कलर की वायर बची हैं। इन दोनों वायर को अपने जोड़ने के बाद हमें इन दोनों हॉर्न तक ले करके आना है। तो इन दोनों वायरों को जोड़ने के बाद अपने हॉर्न तक ले आते हैं, उसके बाद में इसका जो कनेक्शन है वो आपको बतलाते हैं। दोस्तों जो इसका ट्यूनर था इसका सारे का सारा ये कनेक्शन हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके सारे वायर हमने कनेक्ट करने के बाद जो इसकी येलो वाली वायर बची थी ये दोनों वायर हमने आगे से निकाल के ये यहाँ पर ले आए हैं ब्लैक कलर की। और दोस्तों हॉर्न को एक अर्थ की सप्लाई दे रखी है यहाँ से कनेक्ट करके, ये अर्थिंग ग्राउंड लगा के, और ये कुछ इस तरह से क्लिप लगा दिए। दोनों ही हॉर्नों में कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। ये इसका एक वायर इधर लगेगा और ग्राउंड इधर, उसी साइड से एक वायर हमने वहाँ पर लगा के इसकी अर्थिंग दे रखी थी, और दूसरी वायर ये कुछ इस तरह से इसकी यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। यहाँ तक का जो था दोस्तों कनेक्शन हो गया है। अब इग्निशन ऑन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद में हॉर्न का बटन दबाओ, हॉर्न का बटन दबाओ भाई।
ये आप सुन पा रहे होंगे, जैसे ही हमने हॉर्न का बटन दबाया और जो इसके हॉर्न के साउंड है वो आप सुन पा रहे होंगे। हॉर्न का बटन दबा के रखो, कुछ इस तरह से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसको ऊपर कर देते हैं, जैसे ही अपना नॉर्मल हॉर्न हो जाता है वैसा वो बजने लगेंगे। इसको ऊपर दबाने के बाद और हॉर्न का बटन दबाएंगे तो ये ऐसा काम करेगा जैसे कि बाइक में कोई भी इस तरह का ट्यूनर या रिले वगैरह नहीं लगी हुई है। उसके बाद में इसको एक कट नीचे दबाएंगे इस तरह से और हॉर्न का बटन दबाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों, ये आवाज आ गई है इसके सेकंड, और इसको फिर दबाएंगे हॉर्न का बटन। ये कुछ इस तरह से तीसरी आवाज हो गई है, और चौथा इसको दबाएंगे और हॉर्न का बटन। ये देखिएगा दोस्तों, अब इसको क्या है दोस्तों, ये जो बटन देख पा रहे होंगे आप, इसको फिर से हम प्रेस करेंगे और हॉर्न का बटन दबाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे एक कट और हॉर्न का बटन दबाएंगे, फिर इसको एक कट ऊपर करेंगे और फिर हॉर्न का बटन दबाएंगे, फिर एक कट इसको ऊपर करेंगे और हॉर्न का बटन दबाएंगे। ये कुछ इस तरह से दोस्तों जो अपना ट्यूनर है ये 8 तरीके की आवाजें निकालता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपनी बाइक में कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि हॉर्न की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। और दोस्तों इन हॉर्न पे चला भी लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल हॉर्न होता है मिंडा का छोटा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपको दोस्तों कनेक्शन फुल्ली समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस ट्यूनर को दोस्तों किसी भी बाइक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BS6 हो या फिर BS4। दोस्तों इस ट्यूनर को आप इंडिकेटर पर भी सेट करते हैं, अगर आपको इंडिकेटर पर ये ट्यूनर लगाना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके ऊपर दोस्तों आपको वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कर देना है, छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और दोस्तों आप लोगों का प्यार हमें यूट्यूब पर बहुत अच्छा मिला है, आप लोगों के प्यार की मदद से आज हमारे YouTube पर 33,000 सब्सक्राइबर हो गए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।